नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस तो अभी मेरे साथ हैं विष्णु भाई और टेलर भाई। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो विष्णु भाई की जो चैनल है जिसके ऊपर रील्स कॉन्टेंट आ रहा है, तो विष्णु भाई बताएंगे कि किस तरह से इनकी चैनल के ऊपर रील्स कॉन्टेंट आया। तो विष्णु भाई मेरा बहुत हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको फिंग भी डालते हैं और कोई भी बंदा कॉपी करके डालता है दूसरे चैनल पे, तो उसके पास ज्यादा व्यूज आते हैं, तो हमारे यहाँ कम व्यू रहते हैं, इसलिए हमें रील्स कॉन्टेंट मिलता है। तो कॉपी करने वाले थोड़ा सच समझ कर कॉपी करना, क्योंकि किस किस की मेहनत रहती है आपको पता है। आप तो सीधे वीडियो डाउनलोड करके उठा के डाल देते हो, तो हम लोगों ने बहुत नोटिस किया है, हमको प्रॉब्लम होती है भाई, तुम लोग कॉपी मत करो ऐसा। तो अभी फाइनली विष्णु भाई के चैनल के ऊपर रील्स कॉन्टेंट आया है, और किसी को भी हम कॉपी रेस्ट्रेट देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि बाद में झगड़ा करते हैं, क्योंकि फोन पे फोन करके गाली वाली देते हैं, क्योंकि हमें क्यों कौन कॉपी रेस्ट्रेट दिया इसे। इसलिए भी हम लोग कॉपी राइट कॉन्टेंट स्ट्राइक नहीं देते हैं। और यूट्यूब का नियम ही है कि भाई अगर कोई अपना वीडियो कॉपी करता है तो उसको स्ट्राइक देना नहीं, मतलब ये एक कॉमन सी बात है कि भाई स्ट्राइक तो मिलेगी ही अगर कॉपी करोगे तो। यूट्यूब ने ये पहले से ही सिस्टम बना के रखा है, तो उसमें ही हमें भी चलना पड़ेगा, तो ये झगड़ा करना ये बातें अलग हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से लोगों के पास देखा है। अभी देखने चाहे छुट्टी वाले हैं विष्णु भाई के यहाँ से भी बहुत सारी वीडियो कॉपी है, विष्णु मतलब जो अरुण के है और जेम स्टूडियो वो किशन भाई के भी बहुत सारे वीडियो लोगों ने कॉपी किए हुए हैं। उनको भी एक बार प्रॉब्लम आया है, उनका भी रील्स कंटेंट हुआ था, उनका ओरिजिनल कंटेंट था, उनकी वॉइस में था, तो भी उनको वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, क्योंकि उनको 4 महीने लग गए थे। लगे तो आपको पता नहीं होगा तो आप किशन भाई से कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे जो सिस्टम है उसी सिस्टम से आप भी काम कीजिए। देखो अभी आपका वीडियो कोई कॉपी करता है तो आप भी स्ट्राइक दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ही देंगे, ऐसा नहीं है, आप भी दे सकते हो और हम भी देंगे ऐसा, मतलब जो कॉपी करेगा उसका सिस्टम के हिसाब से ही चलाना पड़ता है यूट्यूब को, तभी ये आगे बढ़ेंगे, वरना यहाँ पे ऐसा ही रह जाएंगे अभी। लेकिन थोड़ा सा भी पूरा प्राइवेसी पॉलिसी वो चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी हम स्ट्राइक देंगे, ऐसी चीजें अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि रीयूज कॉन्टेंट का जो लफड़ा है वो बहुत ही ज्यादा चलता है। अभी विष्णु भाई के चैनल के ऊपर रीयूज कॉन्टेंट आया और अभी हमें करीब कितनी तारीख मिली है, अभी 5 तारीख को अपील है और उसके बाद 3 महीने के बाद रीअप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लगता है। 3 महीने लगेंगे, आया तो इतना दिक्कत में गिर जाओगे ना, तो आप यूट्यूब छोड़ के दूसरा काम पकड़ लोगे, क्योंकि अभी यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। और अभी हम अप्लाई करेंगे 5 तारीख को, 5 तारीख कॉपी वीडियो भेजेंगे यूट्यूब को, जो कुछ वीडियो है वो डिलीट करेंगे, बाद में आए तो ठीक है, नहीं फिर 3 महीने बाद फिर तो टाटा बाय बाय बोल देना पड़ेगा यूट्यूब पर, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी, क्योंकि हमने कई चैनल्स टेलर भाई के साथ हमने रील्स कंटेंट से बाहर निकाली है और आपकी चैनल भी हो जाएगी, लेकिन जो हम कहेंगे वो आपको करना ही होगा, क्योंकि जो रील्स कंटेंट होगा तो निकालना ही होगा। उसके बाद में आपकी वीडियो भी बनाएंगे और अपील भी करेंगे और आपकी चैनल 100% मोनेटाइज भी होगी अपने हिसाब से, क्योंकि हमने पहले भी कई चैनल्स के साथ हमने ऐसे रील्स कंटेंट हटाए हैं, तो हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर विष्णु भाई कोई सॉन्ग्स अपलोड करते हैं तो उसको डाउनलोड करके आप मत अपलोड करो, नहीं तो जो ट्रेंडिंग यानी ज्यादा व्यूज आएंगे तो आपकी चैनल के ऊपर भी रील्स कॉन्टेंट आ सकता है। और अगर मैं कोई सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ और मेरा सॉन्ग्स डाउनलोड करके कोई अपलोड कर देता है तो उसको भी रील्स कॉन्टेंट आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर विष्णु भाई ने यहाँ पर MP3 सॉन्ग्स अपलोड करा और उसके चैनल पर से मैंने डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया तो मुझे भी रील्स कॉन्टेंट आ सकता है और आएगा, 100% आएगा। अभी यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो कैलाश भाई, तो कुछ बताना चाहोगे? देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे टेक्निकल चैनल यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निकल चैनल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ चैनल्स मिलती नहीं, कुछ अपडेट्स नहीं मिलते हैं, तो आप डी गाविन को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरी यूट्यूब से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, हम जो भी अपडेट रहता है हमारे पास जैसे पहुंचता है हम तुरंत ही अपलोड कर देते हैं, मतलब
हमारे यहाँ पे एरिया में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपडेट्स जो भी रहेंगे यूट्यूब के वो हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाएंगे। और दुआ करना कि विष्णु भाई की जो चैनल है वो भी मोनेटाइज हो गई है, वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, रील्स कंटेंट हट जाए, इतना तो दुआ जरूर करना विष्णु भाई, क्योंकि हम अभी रील्स करके निकल गए हैं, उसके बाद में वीडियो प्रोफेशनल वीडियो लाने वाले हैं और जो मॉडल के साथ वीडियो लाने वाले हैं। हमारा अभी भी चालू सॉन्ग भी लिरिक्स पड़ी हुई है, सिर्फ स्टूडियो में जाना है, रिकॉर्ड करना है और कैमरे के साथ शूट करना है, बस इतना ही काम है। बाकी हम लोग थोड़ा चैनल को ट्रेंड में लाने के लिए मैं सोच रहा था, आ ही गए पर यूज कंटेंट आ गया है, वो कोई बात नहीं, वो होता रहता है। अभी हम जितना गलतियां करेंगे उतने सीखेंगे। हाँ पहले वैसे ही है। और आपकी बैंड की चैनल है तो आप हम बैंड के हिसाब से जो चैनल्स है उनके हिसाब से हम अपडेट्स देते हैं, ऐसा नहीं कि सबको अपडेट देते हैं। हमारे एरिया में जो चल रहा है बैंड के चैनल बहुत सारे हैं, तो हम टेक्निकल उसमें क्या क्या यूज होगा, क्या दिक्कत आएगी, सारे यूट्यूब पे बताते हैं टेक्निकल चैनल, ठीक है, यूट्यूब बताते हैं हम। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नॉलेज और इंटरव्यू के साथ फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू।